होशंगाबाद जिले के तहसील डोलरिया में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर साथ ही खराब हुई फसलों को लेकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। रिपोर्टर हेमंत गौर के साथ कैमरामैन प्रवीण गौर डोलरिया की रिपोर्ट। किसान मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, खुशहाली के दो आयाम, विमुक्ति और पूरा धाम, धरती मैया की जय। किसान मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, खुशहाली के दो आयाम, विमुक्ति और पूरा धाम, धरती मैया की जय। खेल क्षेत्र है, वहाँ पर नहरें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन कभी किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, उसे सिंचाई का पानी नहीं मिलता है। तो लेकिन सिंचाई विभाग उनसे सिंचाई कर वसूल रहा है, तो जिन किसानों को हम पानी नहीं दे रहे हैं तो उनसे पैसा क्यों ले रहे हैं। दूसरा, जो नदी नालों में हमारा जो सिंचाई विभाग है, सीसी एरिया जो है, आपके माध्यम से जानना, सीसी एरिया जो होता है उसमें नालों से जो बैंक कनेक्ट करके पानी रोक करके जो सिंचाई होती है तो उससे आपसे पैसा वसूल किया जाता है जी। मैं आपको बताऊं, जहां नहर है ही नहीं, पानी भी नहीं है, हमने बोरवेल करा रखी, हम बोरवेल से पानी दे रहे हैं, लेकिन नहर विभाग फिर भी हमसे उपकार ले रहा है, सिंचाई का पैसा ले रहा है, बिल्कुल नहीं, सिंचाई का पैसा ले रहा है, आउट कमांड घोषित कराना है ये। हाँ, उनसे पैसा ना लिया जाए, आउट कमांड होगा जब पैसा नहीं लेंगे वो। अभी का सीसीए होगा, वो जीसीए सीसीए दो प्रकार का एरिया होता है, तो वो एक तो एजुकेटेड एरिया होता है और एजुकेशन होने की संभावना वाला एरिया होता है, तो संभावित एरिया से उसको अलग करना पड़ेगा, तब उसका उत्तर कम होगा, ये आपका ठीक। अगला क्या है, पांचवा नंबर, इसमें जो सहकारी संस्था के बारे में कहते थे, नहीं अब ये नालों में और नदी से जो है, जैसे बारामासी आपकी बैराखेड़ी की, वो समझ के बता दिए, वो उसमें चना एवं गेहूँ जो कम पानी का है उनका बीज का पर्याप्त भंडारण कराया जाए। जब शासन कह रहा है एक पानी देंगे तो हम बोएंगे क्या, हमारे पास तो तीन पानी की गेहूँ की फसल है, बीज है। बिजली के बारे में ट्रांसफार्म बदलने का बोला था पिछली बार कि जो ट्रांसफार्म जल गए उनका पैसा वसूल नहीं होगा, नहीं वो कहाँ है, वो नहीं नहीं सर, अब उसको मान्य नहीं किया अभी तक, नहीं पिछली बार घोषणा कर दी थी, बीमा के बारे में इन्हें अब हम दो तीन महीने से सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 16 का वो प्रीमियम तो आ गया है भुगतान, लेकिन अभी किसानों खाते में जमा नहीं हुआ है, तो वो पैसा आ गया तो आप किसानों को दीजिए ना, उसको जरूरत है अब। हाँ, यहाँ तो नहीं है, इसके बारे में तो पहले भी जांच हो गई, लिखा पड़ी होगी, फिर लापरवाह हो गए। हाँ, कृषि उपज मंडी, ये मोस्ट अर्जेंट। हाँ, कृषि मंडी अब ये बना के रखी है आपने, बंद पड़ी है, क्या मतलब, इसको चालू करिए, किसानों को उसका लाभ। मैं भी कल परसों दिया था, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, तहसील स्तर में सुविधा उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। मैं इसको जो है आपकी सारी बातें जो है शासन तक पहुँचाऊंगा। ये जो है तहसील डोलरिया घोषित तो हर दिन की हुई, फायर ब्रिगेड का मैं लिख चुका हूँ चार बार, और पिछली बार अपने आ भी गई थी, पिछली बार सीजन पे जैसे गेहूं की कटाई होती है ना, तो वो रिक्वेस्ट करके एसपी साहब से वहां से हमने कार्यवाही कर दी कलेक्टर महोदय से, तो आ भी गई थी, इस साल अपन उसको स्थायी यहां रखवाने की, स्थायी होनी चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद इसमें आगे होकर के हमारे कलेक्टर साहब से बात हुई, जैसे हम अभी दो तरफ तैयार हैं इसके लिए, हम दो तरफ ऐसे भटक रहे हैं कि आपने तहसील